फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कन्वर्जन प्लेट फिटिंग करने वाले हैं कोना पीएम का, जो कि बहुत ही फाइन प्लेट है। ये कन्वर्जन है सिर्फ कोना का, अदर स्विच इसमें नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ पर जो राइट साइड से जो वायर आया हुआ है, जो अभी हम हाथ से टच कर रहे हैं, वो एक्चुअली बाथरूम का तार है, जो कि दो न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं। और ये जो थ्री तार जो मैंने टेपिंग किया है, ये लाइटिंग का है, यानी बाथरूम में जो लाइट है, दो लाइट का है, एक गीज़र का है। बाकी दो तार यहाँ पर न्यूट्रल है, एक पावर न्यूट्रल है और एक लाइटिंग न्यूट्रल है। तो चलिए पहले पावर न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पावर न्यूट्रल पहले कनेक्ट कर देता हूँ, जो गीजर से एक न्यूट्रल तार आया हुआ है वो, और लेफ्ट तरफ से जो सर्किट से एक न्यूट्रल आया हुआ है पावर न्यूट्रल, उसको। यहाँ पर जो है दो सर्किट आया हुआ है, एक इन्वर्टर तार भी आया हुआ है। तो पावर का पावर में कनेक्शन करना है और लाइटिंग का लाइटिंग में कनेक्शन करना है, वो तो आप जानवे करते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो आप देखें, वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट दिखाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। देखिए, मैंने अर्थिंग का कनेक्शन पहले कर दिया है, दो तार है, एक बाथरूम तरफ से आया हुआ है, एक सर्किट तरफ से आया हुआ है। और यहाँ पर जो पावर न्यूट्रल हम कनेक्ट कर रहे हैं सॉकेट पर, एक्चुअली वो सॉकेट भी 20 एम्पीयर का है और वो सॉकेट भी पावर से ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर पावर का न्यूट्रल सॉकेट पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और पावर जो फेज़ है वो स्विच पर हम देना पड़ेगा और स्टार्टर पर भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो गीजर से चलेगा, गीजर भी पावर सर्किट से ही रहेगा। तो यहाँ पर रेड कलर का जो आया हुआ है फेज़, वो पावर सर्किट है। अभी उसको हम जो है छीलेंगे और स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्विच से एक तार, इनपुट से एक तार निकला हुआ है ब्लू कलर का, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, देख सकते हैं। और स्टार्टर के इनपुट पर डालेंगे, तो कि स्टार्टर का भी इनपुट में करंट चला गया है और स्विच के भी इनपुट पर करंट चला गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे, ठीक है। इसको हम अभी टेस्टर से टाइट कर लेंगे स्क्रू को, ठीक है। और ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट पर करंट जाएगा और स्टार्टर को भी पर भी करंट जाएगा, स्टार्टर को ऑन करने से, ठीक है। अभी हम ये देखिए, ये है इन्वर्टर वायर, इसको भी हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर दो लाइट इन्वर्टर से चलेगा, इसलिए हम दो लाइट को पहले से कनेक्ट कर चुका हूँ, वहाँ इन्वर्टर का तार यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, दो जो तार है, दो स्विच है, इस पर हम इन्वर्टर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर दो स्विच इन्वर्टर से रहेगा, जो कि बाथरूम का लाइट है, ठीक है। अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे स्विच के इनपुट पर, क्योंकि ये इन्वर्टर का इन्वर्टर लाइन है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखते जाइए और समझते जाइए, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर जो है पहले से ओपन वायरिंग था, इसको काट के हम यहाँ पर अंडरग्राउंड किए हैं। और एक फेज़ पावर का जो पावर सर्किट था, जो उसे मैंने कनेक्शन कर दिया है। अभी हम लाइटिंग सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइटिंग का फेज़ है, जो कि स्विच के इनपुट पर हम दे रहे हैं। यहाँ दो स्विच जो है, दो स्विच लाइट से जलेगी, जो कि सामने में ही है, यहीं पर बाथरूम के बाहर में एक लाइट है और एक दो छत के ऊपर लाइट है, वो लाइन से चलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर हम न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को काटेंगे। एक राइट तरफ से लाइटिंग न्यूट्रल आया हुआ है और एक लेफ्ट तरफ से लाइटिंग न्यूट्रल आया हुआ है, देख सकते हैं। इसको हम वहाँ कनेक्ट करेंगे एक ही साथ, लाइटिंग को लाइटिंग में और पावर को पावर न्यूट्रल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही वायरिंग भी होता है और ये अच्छा भी होता है, पावर के लिए पावर और सर्किट के लाइटिंग सर्किट के लिए अलग, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल को कॉमन कर दिए हैं, देख सकते हैं एक साथ। और यहाँ पर और एक न्यूट्रल है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेप कर देते हैं, यहाँ पर टेपिंग। तो वीडियो में आप देखते जाइए क्या हमें गलती हो रहा है, फिर से हम सुधार करेंगे। इस तरह से आप भी देखें और समझें। देखिए, मैंने न्यूट्रल को, लाइटिंग न्यूट्रल को अंदर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन करने का एक ऑप्शन है, जो कि मैं अभी भी भूल गया हूँ, उसको मैं बाद में करूँगा। मैं आपके सामने, ये देखिए, ये स्विच वायर है, जो कि फोर स्विच वायर है, एक गीज़र का है और बाकी थ्री लाइट है, जो कि बाथरूम का ही लाइट है और भी कहीं का लाइट होगा एक दो का, लेकिन यहाँ पर फोर
स्विच वायर है जो कि अभी हम कनेक्ट करेंगे। तो इसको ये गीज़र का स्विच तार है जो कि गीजर से आया हुआ है, उसको हम यहाँ पर मोटर के स्टार्टर के आउटपुट पर लगा देते हैं, देख सकते हैं ठीक है। और बाकी तीन तार हैं, इस तीन तार को कनेक्ट करना है स्विच पर। तो ये देखिए एक न्यूट्रल मैं छोड़ दिया हूँ, ये देखिए ये लाइटिंग न्यूट्रल है जो कि इस बोर्ड पर एक इंडिकेटर लगा हुआ है छोटा सा, वो इंडिकेटर का ये तार है, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, देख सकते हैं इस तार को। तो अभी हम इन न्यूट्रल को निकालेंगे ठीक है। पहले मैं यहाँ पर पावर लाइन के न्यूट्रल जहाँ पर है वहाँ पर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा तो इंडिकेटर जो है वो पावर के न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये एक्चुअली बोर्ड पर एक इंडिकेटर है, कोना का जितना भी बोर्ड है सब में एक इंडिकेटर रहता है ठीक है। तो यहाँ पर घुस नहीं रहा है क्योंकि वायर मोटा हो चुका है, इसके वजह से नहीं घुस रहा है। तो यहाँ पर हम जो वायर न्यूट्रल लाइटिंग न्यूट्रल जो हम टेपिंग कर दिए हैं इसको हम यहाँ पर निकालेंगे, टेप को निकालेंगे और वो जो इंडिकेटर है छोटा सा उस इंडिकेटर के न्यूट्रल को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि ये भी लाइट से हो जाएगी, इंडिकेटर जो है वो लाइट से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्लास से कटर पिलर से थोड़ा सा छील लेते हैं इसको और यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का भी, ये न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर दिए हम और बाकी लगभग कनेक्शन हो चुका है, एक दो तार बाकी है वो भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ, वीडियो में आप बने रहें। और ये तार जो है ये भी स्विच वायर है, इसको भी मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पर ये स्विच के आउटपुट पर जो कि लाइट से रहेगी ये। और बाकी जो रेड कलर का दो तार बचल है वो स्विच वायर है जो कि इन्वर्टर से चलेगी। तो हम यहाँ पर नीचे जो इन्वर्टर से इन्वर्टर कनेक्शन किए थे दो स्विच उस स्विच पर हम ये दो तार को कनेक्शन करेंगे जो कि इन्वर्टर से चलेगी, ये दोनों तार को ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टोटल कनेक्शन कर दिया है, बस ये इन्वर्टर वाला तार को कनेक्शन करना है, इन्वर्टर कलवा तार इन्वर्टर से चलेगी ये दोनों स्विच जो कि बाथरूम का है ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक तार मैं भूल गया हूँ कनेक्शन करने के लिए, ये तार, ये एक न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को भी कनेक्शन करना है। तो चलिए इसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं न्यूट्रल पर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।